अमेरिका में काफी उठापटक के बाद आखिरकार बाइडेन ने बाजी मार ली, मगर उनकी इस जीत से न तो ट्रंप ही संतुष्ट दिखे और न ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। इस संबंध में माइक पोम्पियो ने कहा कि देश में ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। साथ ही कहा कि बीते चुनाव में उन्होंने बाइडेन की जीत और ट्रंप की हार को स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप के पक्ष में आते दिखे पोम्पियो ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है और हम हर एक वोट की गिनती करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय फॉगी बॉटम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पोम्पियो ने मतदान में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया भर से फोन आ रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।